आज सिया की पसंद की पनीर भुर्जी बनाई है, देखेगी तो खुश हो जाएगी। शुक्र है दूध नहीं गिरा, नहीं तो अनर्थ हो जाता। अनर्थ तो हो गया है भाभी। सिया तू कब आई और ये क्या कह रही है कि अनर्थ हो गया? नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तेरे अनर्थ कहने में कुछ अर्थ तो जरूर है, चल बता क्या बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओफो भाभी, आपको तो खुफिया पुलिस में होना चाहिए। अगर मैं खुफिया पुलिस में होती तो तेरे भैया की गृहस्थी का अनर्थ हो जाता। भाभी मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। तू मेरी इतनी मदद कर दे सिया कि मुझे सच सच बता दे कि बात क्या है। कुछ भी तो नहीं भाभी। पिछले एक महीने से देख रही हूँ सिया, तू बहुत उदास रहती है, एकदम बुझी बुझी सी, ना हंसती है ना बोलती है, आखिर बात क्या है सिया? कुछ भी नहीं है भाभी। ऐसा मैंने आपसे कुछ कहा है क्या? अच्छा होता कि कुछ कह देती। देख तेरा वजन कितना कम हो गया है, पहले पनीर की खुशबू से तू एकदम उछल पड़ती थी और अब। आपको वहम हुआ है भाभी, बहुत बड़ा वहम। आई एम ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देखती हूँ। सिया मैं तुझे जानती हूँ, कोई ना कोई बात तो जरूर है। शांति आई होगी, उसके आने का भी कोई टाइम नहीं। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते शांति, आज इतने सुबह सुबह 14 नंबर वाले का काम नहीं किया क्या? 14 नंबर वाले का वो हो गया, उसका सारा काम कर दिया, हो गया। क्या हो गया? लगता है आज पहेलियां बुझाने का दिन है, हर कोई लगा है मेरे दिमाग की वर्जिश कराने में। दिमाग की क्या कराने में? वर्जिश, एक्सरसाइज। उफ, अब थोड़ा सा बचा है ना तो तू भी खा ले। क्या खा लूं? दिमाग, चल जगा दे। शांति मैं टमाटर काटती हूँ, तू बर्तन साफ कर दे। शांति ये ले, ये प्लेट साफ कर दे। जी भाभी। शांति। जी भाभी। ये क्या, ये जख्म? भाभी वो कल चूड़ी पहनते समय कांच लग गए थे। जरा दिखा दो, ये चूड़ियों के निशान तो नहीं? शांति। अरे नहीं भाभी, सच्ची, ऐसा कुछ नहीं है। सच बता शांति, क्या बात है? अरे हाँ, वो है ना मेरी पड़ोसन, उससे मेरा झगड़ा हो गया था पानी भरते समय। अब आप जानते तो हो ना, कहते भी हो कि नाम शांति और काम बिल्कुल उल्टे, तो बस। शांति कितने साल हो गए तुझे यहाँ का काम करते हुए? भाभी 6 साल। तो मैं तुझे और तेरे सच को अच्छी तरह से समझती हूँ, सच बता क्या बात है? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। शांति कोई बात नहीं, और तुम रो रही हो, सच बताओ क्या बात है? नहीं भाभी, कोई बात नहीं है। शांति सच बताओ, क्या हुआ, सच बताओ मुझे। भाभी। शांति तुम बताओ मुझे क्या हुआ? भाभी वो 14 नंबर वाला है ना, जिसके यहाँ मैंने अगले महीने काम पकड़ा था। हाँ? और जिसकी वजह से मैंने आपसे लड़ाई भी की थी। वो काम ना मुझे बब्बन ने बताया था, बब्बन प्रेस वाला है ना, उसी ने बताया था। मैं एक दिन उसके यहाँ गई, और जब गई तो ना। नमस्ते साहब, वो आपने काम के लिए कहा था ना? हाँ हाँ, मैंने प्रेस वाले को कहा था घर के काम के लिए। तुम ही शांति हो? जी साहब। यही अड़ोस पड़ोस में काम करती हो? हाँ करती हूँ ना, मन्नू भाभी के यहाँ, 12 नंबर वाली अम्मा जी के यहाँ। ठीक है ठीक है, देखो
इस घर में भी झाड़ू फटका बर्तन ये सब तुम्हें करने पड़ेंगे और ठीक इसी समय आ जाना। हाँ साहब, वो सब तो मैं कर लूंगी। पगार कितनी दोगे? पगार की टेंशन मत ले, पूरे 2000 रुपए दूंगा। 2000? 2000 चलेगा। और सुनो, काम जरा दिल लगा के करना। कोई भी छोटा मोटा काम करने को कहूँ तो मना मत करना। जी साहब। समझ गई ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी साहब, जी साहब। उस समय मैं उस दुष्ट का मतलब नहीं समझी थी, फिर धीरे धीरे। काम करो, काम करो, मुझे ग्लास चाहिए। फिर तो मैं बहुत चौकन्ना होके काम करने लगी। उसके घर में मुझे कोई दिखाई तो नहीं देता था, और वो कहता था मेरी माँ है, पर मुझे कभी दिखाई नहीं दी, और मैंने भी डर के मारे पूछा नहीं। फिर एक दिन और इसलिए तुम 3 दिन से काम पर नहीं आ रही थी, है ना? और छुट्टी लेने पर मैंने तुम पर कितना गुस्सा किया। सॉरी शांति, मुझे माफ कर दो। और तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ। नहीं भाभी, आप कुछ मत कहिएगा, आप कुछ मत करिएगा, सबको पता चल जाएगा तो हल्ला हो जाएगा, फिर कौन देगा मुझे काम? और बच्चों का पेट भी तो पालना है। तुम चिंता मत करो शांति, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। और मैं जोश में नहीं, होश में काम करती हूँ। तुम्हारा काम तुमसे कोई नहीं छीनेगा, तुम चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने हमें पेट देकर भेजा है ना, उसे भरने का प्रबंध वो खुद ही करता है, तुम चिंता मत करो। ठीक है भाभी, ठीक है, मैं अपना सारा काम खत्म कर लेती हूँ। आ रही हूँ बाबा। हेलो, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया, फाइटिंग फिट। तो कहाँ है वो? वो क्या? तुम्हारे हथियार, सैंडल, बेलन, तुम ही तो कह रही थी फाइटिंग फिट। ओफो, तुम भी ना दीपक। वैसे दीपक। हाँ बोलो। आजकल हर औरत को फाइटिंग फिट होना चाहिए। मेरा मतलब है लड़ाकू विमान की तरह एकदम लड़ने को तैयार। तुम तो बात सीरियसली ले गई, मैंने तो वैसे ही मजाक किया था। अच्छा, चाय बनाओ। मेहरबानी, तुम अपने जैसी प्यारी सी अच्छी सी चाय बनाओ, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? हाँ। पता है दीपक, आज शांति आई थी और उसने मुझे जब अपनी आप बीती सुनाई ना, मुझे इतना गुस्सा आया। वो अपना 14 नंबर वाला है ना, उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या? जब वो अपनी बातें बता रही थी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। कैसे कैसे लोग पड़े हैं दुनिया में, जरा भी शर्म नहीं आती।
अच्छा, ये मामला तो ठीक नहीं है। किसी को गरीब जानकर उसकी इज्जत पर हाथ डालने वाला था वो दरिंदा, उसे तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए। सजा तो मिलेगी दीपक, जरूर मिलेगी, लेकिन सोच समझ कर। वैसे शांति तुम पर कितना भरोसा करती है? उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया? पता है दीपक, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि शांति बहुत चुप रहती थी, वरना तुम्हें तो पता है वो चलता फिरता अखबार है। 15 नंबर वाली भाभी ने ये किया, 24 नंबर वाली भाभी ने वो किया। क्या हुआ मनु, तुम अचानक से घबरा क्यों गई? दीपक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो मनु। दीपक, आजकल सिया भी बहुत बुझी बुझी सी रहती है, और आज सुबह भी वो बहुत डरी हुई सी थी, सहमी हुई सी थी। दीपक, कहीं सिया भी तो हैरेसमेंट का सामना तो नहीं कर रही है? क्या मनु, ये कहां की बात तुम कहां खींच लाई? शांति के साथ जो हुआ ठीक नहीं सिया हुआ, मगर मुश्किल दौर से गुजर रही है। वो बात क्या है ये मैं जानकर ही रहूंगी। देखो मनु, सिया मेरी बहन है, और उस पर मैं एक भी आंच तक नहीं आने दूंगा। इतने तैश में आने की कोई जरूरत नहीं है दीपक, हमें समझदारी से काम लेना होगा। सिया आ गई है, प्लीज बी क्वाइट। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? आज मैं उसकी मन की बात जानकर ही रहूंगी, प्लीज दीपक। हेलो सिया। हेलो भाभी। सिया। हाँ, कैसा रहा आज का दिन? ठीक था, मतलब अच्छा था। भैया कहाँ है भाभी? भैया चाय पी रहे हैं। हाय सिया। हेलो भैया। चाय पियोगी? नहीं भाभी, नहीं। सिया, पता है सिया, जब मेरी तुम्हारे भैया से शादी हुई थी, तब मेरी माँ ने मुझसे कहा था, दीपक की माँ नहीं है और तुम्हें उस घर में माँ का फर्ज भी अदा करना है। कुछ ही देर के लिए सही, मुझे अपनी माँ समझकर बता दो सिया, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, प्लीज। भाभी। सिया, बताओ क्या बात है? हमारे ऑफिस में बहुत अच्छा माहौल था, पिछले 2 सालों से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे अपने ऑफिस में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला। फिर 6 महीने पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर एक नया अफसर आया, उसका नाम था अरविंद। शुरू में सबको लगा कि वो बहुत ही काबिल, ईमानदार और बहुत ही सख्त किस्म का अफसर है। फिर धीरे धीरे उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। भाभी, वो ऑफिस में हमको स्टे बैक के बहाने रोकता। बदमाश कहीं का। फिर क्या हुआ? फिर बाद में हमारी टीम की 2 लड़कियों में से रोशनी का एक्सीडेंट हो गया, और शेफाली अपनी शादी के लिए लॉन्ग लीव छुट्टियों पर चली गई। जब वो लॉन्ग लीव छुट्टियों पर गई, तो उसने मुझे अपने गलत इरादों का शिकार बनाना शुरू कर दिया। कभी कहता पेन उठाकर दो, पेन हाथ में लेता और हाथ दबाकर
मुस्कुराता। फिर घबराकर मैं हाथ हटाती तो वो और मुस्कुराता। फिर एक दिन उसने मुझे एक फाइल दी। मैंने सोचा उस फाइल में ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स होंगे। मैंने फाइल खोली तो उसके अंदर एक अश्लील मैगजीन थी। वो अक्सर मेरे बाल या कपड़ों पर कमेंट करता। मुझे उसे सख्त नफरत है। मुझे ऑफिस में जाने का मन नहीं करता है। मुझे उसके फैलाए हुए जाल से बचाओ भाभी। भाभी प्लीज मुझे उसके जाल से बचाओ। सिया चुप हो जाओ, मत रो। जब तक बीमारी का पता नहीं चलता है उपचार करने में दिक्कत आती है। बीमारी का पता चल चुका है ना, अब इलाज करने में देर नहीं लगेगी। तुम चिंता मत करो सिया, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें और शांति को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। आओ दीपक आओ। हाय डॉक्टर। बैठो। नमस्ते। नमस्ते। कहो दीपक, कैसे हो? जी ठीक हूं। कल रात जब मुझे मनु का फोन आया तो एक बार मैं भी सकते में पड़ गया। कई सालों से आपके पड़ोस में रहता हूं लेकिन पहली बार मनु को मैंने इतना डिस्टर्ब देखा। क्या कहूं डॉक्टर साहब, बात ही कुछ ऐसी है। कल मुझे पता चला कि पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, अमीर हो या गरीब, हमारे समाज में लड़कियों को वेश्याओं का सामना करना पड़ता है। और ज्यादातर ये लड़की औरतें समाज और परिवार के डर से चुप कर जाती हैं। और ज्यादातर इसलिए भी चुप कर जाती हैं क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में कुछ पता नहीं। मनु, दीपक, तुम एक काम करो, अगले हफ्ते इसी सिलसिले में मैं एक अवेयरनेस कैंप आयोजित कर रहा हूं। तुम वहां पर सिया और शांति को लेके आओ। जब वो देखेंगे कि शोषण के खिलाफ लड़ाई में वो अकेली नहीं है तो उनकी हिम्मत और हौसला और बढ़ेगा। और हमारे कैंप में कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ कैसे लड़ा जाए ये भी बताया जाएगा। आप लोग प्लीज आइए। हम जरूर आएंगे डॉक्टर साहब। थैंक्स। नमस्ते। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सन 2001 के सेंसस के मुताबिक 25.6% स्त्रियां काम पर जाती हैं और हर स्त्री का ये अधिकार है कि वो हिंसा और शोषण रहित वातावरण में काम करे। हर स्त्री का ये अधिकार है कि उसे भद्र और ऐसा कार्य वातावरण मिले जहां भेदभाव ना हो, पर आंकड़े ऐसे दर्शाते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। महिलाओं को बड़े पैमाने पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। काम के स्थान पर यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस के कई प्रकार होते हैं। यदि आपको आपकी अनुमति के बगैर कोई स्पर्श करता है, आपसे अश्लील बातें करता है, अश्लील चित्र या साहित्य दिखाता है और अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मांग करता है तो ये सभी यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आता है। आप सबको ये जान लेना जरूरी है कि किसी भी प्रकार की प्रताड़ना सहते रहना ठीक नहीं है। आप किसी भी तरह की प्रताड़ना के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हैं और करनी भी चाहिए क्योंकि इस तरह चुप रहकर घुल घुल कर सहने से आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। आइए देखते हैं यौन उत्पीड़न से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम के बारे में। पीड़ित महिला पर मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कई दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें से कुछ हैं डिप्रेशन यानी विषाद, एंग्जाइटी यानी उत्कंठा या व्यग्रता, शर्म और अपराध बोध,
शेम एंड गिल्ट, कहीं पर भी ध्यान केंद्रित करने में कमी, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, सरदर्द, थकान और मानसिक उलझन, खान पान संबंधी गड़बड़ी, बहुत अधिक या बहुत कम खाने की आदत पड़ जाना, अत्याचारी के प्रति क्रोध और हिंसा की भावना, आत्मविश्वास का क्षय, खत्म हो जाना, सभी लोगों पर विश्वास उठ जाना, आत्महत्या के विचार या आत्महत्या करने की कोशिश। तो मित्रों, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये परिणाम कितने घातक सिद्ध हो सकते हैं। आज हम यहाँ इस कैंप में इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हम आपको ये बताएं कि अब आप किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमन ने इस समस्या से निपटने के लिए एक विस्तृत कानून बनाया है। आपको जानकर खुशी होगी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमन के ड्राफ्ट बिल में डोमेस्टिक वर्कर की श्रेणी में घर पर काम करने वाली कर्मचारी, सफाई कर्मचारी महिला को भी शामिल किया गया है। तो यदि किसी गरीब असहाय को किसी भी प्रकार के यौन शोषण का सामना करना पड़ता है तो वो भी शिकायत दर्ज कर सकती है। महिलाओं का शोषण कई स्तरों पर होता है, ये एक जटिल समस्या है। इससे जूझने के लिए NCW समय समय पर अपने विभिन्न कैंपों में महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करता है, उन्हें स्पष्ट रूप से बताता है कि वो कानून का सहारा लेकर अपराधी को सजा दिलवा सकती है। इसके अलावा देश भर में NCW पारिवारिक महिला लोक अदालत आयोजित करता है ताकि महिलाओं को शीघ्र न्याय मिले। आपको जानकर अचंभा होगा और हर्ष भी कि NCW समय समय पर संविधान में मौजूदा प्रावधान की समीक्षा कर उनमें संशोधन करने की क्षमता भी रखता है। ये कार्य NCW का लीगल सेल करता है। संक्षिप्त में, NCW महिलाओं के अधिकार की पूर्ण रक्षा करने वाली संस्था है जो पुलिस और कानून के सहयोग से महिलाओं पर होने वाले शोषण का सफलता से सामना करती है। बिल में यह भी कहा गया है कि ना सिर्फ नौकरी करने वाली महिला बल्कि दफ्तर में जाने वाली हर वो महिला, चाहे वो कस्टमर हो, क्लाइंट हो, ट्रेनी हो, डेली वेज वर्कर हो या एड हॉक काम करने वाली लड़की हो, ये सभी शामिल है। स्त्री पुरुष के लिए दफ्तर में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी आंतरिक शिकायत समिति बनाने के आदेश हैं। आप में से कईयों के दफ्तर में ये सक्रिय होगी। अब हमें ऐसे वहशी दरिंदों से जूझने के तरीके सीखने होंगे। अब तो तेरे बॉस के गिने चुने दिन रह गए दफ्तर में। भीड़ भाड़ वाली जगह पर यदि आपको छेड़ा जाता है तो उसी वक्त चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर उस व्यक्ति की करतूत सामने लाइए। इससे वो डर कर अपने आप पीछे हट जाएगा। ये तो हुई अपना गला, अपना कंठ इस्तेमाल करने की बात, पर आप अपने पास ही मौजूद कई हथियार भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हथियार? कैसा हथियार? छाता, जूता, सैंडल, डंडा, छड़ी, पेपरवेट, आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं। पर मैं ये भी कह दूं कि आप महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप में बल परिपूर्ण हो। अच्छा खाइए, वर्जिश कीजिए, हो सके तो कोई सेल्फ डिफेंस की क्लास ज्वाइन कीजिए, जैसे जूडो है, कराटे हैं। अगर आप में बल शक्ति हो तो अपनी रक्षा आप खुद कर पाएंगी। अपने साथ दफ्तर में हुए किसी भी प्रकार के यौन शोषण के बारे में सबसे पहले अपने दफ्तर के प्रमुख अधिकारियों को उस व्यक्ति के खिलाफ लिखित में शिकायत करें। आप पुलिस और स्थानीय NGO की सहायता भी ले सकती हैं। हमारे देश की प्राचीन संस्कृति से हम सब परिचित हैं। हम जानते हैं कि नारी का कितना ऊंचा स्थान है समाज और राष्ट्र के निर्माण में। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जिससे हमारे हौसले बुलंद हुए। आप सभी का भी हमें इतने धीरज से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आप में से किसी को कोई सवाल करना है तो स्वागत है। सर, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। दफ्तर में जो यौन शोषण होता है उसकी अगर मैं रिपोर्ट लिखाऊं तो क्या मेरी नौकरी जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, सबके मन में यही सवाल घुमड़ रहा होगा इस वक्त। जैसा हमने आपको पहले बताया कि इस वक्त दफ्तरों में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन हो चुका है। वो आपकी बात जरूर सुनेंगे क्योंकि सरकार, मंत्रालय, NCW ये चाहती है
कि स्त्री को अच्छा कार्य वातावरण मिलना चाहिए। फिर हर अच्छी कंपनी वाले ये समझते हैं कि आपकी कार्य क्षमता या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक अच्छा माहौल देना आवश्यक है। किसी भी तरह का डर निरर्थक है। यदि आपके साथ कोई अत्याचार कर रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। आपकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आ सकती। सर, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरी एक कजिन है, उसके साथ भी उसके दफ्तर में ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक वो उस चीज से उभर नहीं पा रही है। तो ऐसे में हम क्या करें? आप उन्हें मेरे या किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी मनोचिकित्सक के पास ले जा सकती हैं। ये सुविधा सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध है। सर, सबसे बड़ी बात इज्जत की होती है। आप समझ रहे हैं ना? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर आप ही सोचिए, जो इंसान आपके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है, अगर उसकी गलती को आप छुपाएंगी तो वो और प्रोत्साहित होगा। अगर इज्जत की आप बात कर रही हैं, इज्जत सबसे बड़ी है, तो फिर ऐसे इंसानों की इज्जत तो मिट्टी में मिल जानी चाहिए। जब तक ऐसे लोग बेइज्जत नहीं होंगे, दंडित नहीं होंगे, तब तक समाज नहीं सुधरेगा। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। शांति, टमाटर धुल गया क्या? जी भाभी। क्या बात है, बहुत खुश हो? भाभी, प्यारी भाभी, भाभी भाभी भाभी, यस। भाभी भाभी बोलती रहेगी या फिर आगे भी कुछ बोलेगी? सब बताती हूँ, सब बताती हूँ। आपको पता है वो अफसर सस्पेंड हो गया है? यस। सस्पेंड हो गया? हाँ। क्या हो गया है? सस्पेंड यानी कि बर्खास्त। हाँ। उस मुहे के साथ तो यही होना चाहिए था, बल्कि उसका मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाना चाहिए। बस शांति, बस। अच्छा शांति, तूने 8WA में वो 14 नंबर वाले की शिकायत दर्ज कर दी है ना? और क्या, और भला हो NCW वालों का, जिसकी वजह से कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई। और अब तो मैंने उसके घर का काम भी छोड़ दिया है भाभी, और कोई बाई भी नहीं जाएगी उसके घर काम करने। भाभी, हाँ, आपसे कुछ कहना था। बोलो। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती ना, तो अब तक हम अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर गए होते। और मुझ में भी इतनी ताकत नहीं थी कि मैं। हम सब शक्ति की संतान हैं, हम सब शक्तिशाली हैं। बस हमें ये जानने की जरूरत है